जब करबला में काफ़ी मुसलमान शहीद हो गए तब जंग की बारी बनु हाशिम और अहले बैत की आई और इमाम हुसैन के लगते जिगर हजरत अली अकबर मैदान जंग में लड़ने के लिए तैयार हो गए। हजरत इमाम हुसैन ने अपने हाथों से आपके सर पर इमामा बांधा और हजरत अली अकबर ने अपने वालिद से जंग की इजाजत ली। वो घोड़े पर सवार हुए, आपने सबको आखिरी सलाम किया और करबला के मैदान की तरफ चल दिए। जब आप मैदान जंग में पहुंचे तो यजीदियों में अफरा तफरी मच गई क्योंकि आपकी शक्ल बहुत हद तक अल्लाह के रसूल से मिलती थी। शिमर ने इब्ने साद से कहा कि ये कौन है जो इतना हसीन है? इब्ने साद ने कहा कि ये नबी करीम के हमशक्ल हैं, ये हुसैन इब्ने अली के बेटे हैं। कोई भी हजरत अली अकबर से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसके बाद आप खुद ही यजीदियों के लश्कर की तरफ बढ़े और आपने उन्हें जहन्नुम वासिल किया। इतने में मुर्रा की नज़र आप पर पड़ी, उसने हजरत अली अकबर पर पीछे से हमला किया और तभी सारे सिपाहियों ने एक साथ आप पर हमला किया और हजरत अली अकबर ने सिर्फ 18 साल की उम्र में शहादत नसीब की।